दिस वीडियो इज़ फ्रॉम एग्जाम पर्प व्यू तो आज हम लोग देखेंगे फंगल कॉर्नियल अल्सर जिसको माइकोटिकेटाइटिस भी कहते हैं तो कॉर्नियल अल्सर होता क्या है तो इट इज़ अ इंफ्लॉमेटरी इन्फेक्टिव कंडीशन ऑफ कॉर्निया इन्वॉल्विंग डिसरप्शन ऑफ इट्स एपिथीलियल लेयर विद इन्वॉलमेंट ऑफ कॉर्नियल स्ट्रोमा तो जैसा कि हम जानते हैं कॉर्निया के छ लेर होते हैं तो कौन कौन से होते हैं वो छः लेयर तो पहला हो गया एपिथीलियम दूसरा हो गया बॉमस लेयर तीसरा हो गया स्ट्रोमा चौथा हो गया डुआस लेयर पाँचवा हो गया डिस्मेंट मेम्ब्रेन एंड छठा हो गया एंड्रोथीलीम तो कॉर्नियल अल्सर में क्या होता है इसमें स्ट्रोमा का इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है जो तो इन्फेक्शन होता है स्ट्रोमा तक पहुंच जाता है तो फंगल अब इसका इंट्रोडक्शन देते हैं इंट्रोडक्शन हम तीन पॉइंट में देखेंगे तो आप पॉइंट वाइज याद करिएगा जिससे आपको एग्जाम में याद करने में ईजी होगा तो पहला क्या है ऑल्सो नोन एज कीरेटोमाइकोसिस और फंगल कीरेटाटिस इट इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ द कॉर्निया डेट रिजल्ट फ्राम इन्फेक्शन बाई अ फंगल ऑर्गेनिज्म इट्स इंसिडेंस हैज़ इंक्रीज इन द रिसेंट ईयर्स ड्यू टू इंजूडियस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड एस्ट्रॉइड तो इंजूडियस मतलब क्या हुआ तो पुअर जजमेंट या अनवाइज मतलब पता नहीं है कौन सा दवाई देना है मगर फिर भी वो दिए जा रहे हैं तो जिस कारण से गलत दवाई देने से क्या होता है इम्यूनिटी जो होता है बॉडी का वो वीक हो जाता है जिस कारण से इम्यून सप्रेशन हो जाता है और इम्यूनिटी वीक हो गया तो जिस कारण से जो इन्फेक्शन होगा वो ईजली फैल पाएगा बॉडी में तो वही यहाँ कहना चाह रहा है तो इसकी एटियोलॉजी क्या है तो इसके कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है एसपरजिलस कैंडिडा एंड फ्यूशेडियम इसके मोड्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है मोड्स ऑफ इन्फेक्शन है इंजरी बाय वेजिटेटिव मटेरियल तो ये वेजिटेटिव मटेरियल क्या हुआ तो वेजिटेटिव मटेरियल हो गया रिलेटेड टू प्लांट वेस्ट या ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक वुड लीव्स ग्रास या जो गार्डन में जो भी मतलब प्लांट्स से रिलेटेड जो भी वेस्ट हो गया वो हो गया या एनिमल टेल जैसे गाय हो गया गाय के टेल से आ, आँख में चोट लग गया जिस कारण से ये फैल सकता है फिर हो गया सेकेंडरी फंगल फंगलस ये क्यों होता है इम्यूनो सप्रेशन जैसा कि मैंने बताया कि गलत दवाई लेने के कारण इम्यूनो सप्रेशन हो जाता है बॉडी का इसके रिस्क फैक्टर क्या है एंटीबायोटिक्स एंड एस्टोरायड इसके सिम्टम्स क्या है पेन एंड फॉरन बॉडी सेंसेशन वाटरिंग फोटोफोबिया ब्लड विजन रेडनेस ये फोटोफोबिया मतलब क्या हुआ फोटोफोबिया मतलब हो गया डिस्कम्फर्ट इन ब्राइट लाइट जैसे गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उससे जो रोशनी आता है वो देखने में मतलब उससे मतलब डिस्कम्फर्ट हो गया या सन हो गया उससे वही कहना चाह गया फोटोफोबिया इसके साइंस क्या है तो साइंस हो गया पहला साइंस हम ये टोटल दस पॉइंट में देखेंगे मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ पॉइंट वाइज जैसा कि मैंने बताया कि आपको ये एग्ज़ाम में याद करने में ईजी होगा तो पहला क्या है कॉर्नियल अल्सर इज ड्राई लुकिंग ग्रेश वाइट विद एलिवेटेड रोल आउट मार्जिन दूसरा है सिलरियन कंजक्टाबल कंजेशन तो ये सिलरियन कंजक्टाइबल कंजेशन क्या हुआ सिलर कंजेशन हुआ जिसमें जो वेसल होता है वो ब्राइट रेड आपको अपेयर होगा मोस्टली फोर्निसस के पास और फेड हो जाता है लिम्बस के पास जाते जाते तो फॉर्निक्स क्या होता है फॉर्निक्स होता है पेड़ी बल्बर कंजक्टावर और रेट्रो बल्बर कंजक्ट कंजक्टाबा का जो जंक्शन होता है उसी को फॉर्निक्स कहते हैं और ये लिम्बस क्या हुआ तो जो आई होता है उसमें जो जंक्शन ऑफ कॉर्निया और स्क्लेरा होता है उसको लिम्बस कहते हैं तो ये आप देख रहे हैं स्क्लेरा या कॉर्निया यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इसके जो जंक्शन है इसी को लिम्बस कहते हैं तो कन कंजटाबल कंजेशन में क्या होता है इसमें होता है कि जो वेसल होता है वो डस्की रेड अपेयरेंस होता है मोस्टली लिम्बस के पास तो ये जो आँख है आपको दिख रहा है तो यहाँ पर जो वेसल होगा रेड आपको अपेयर होगा मोस्टली लिम्बस के पास ये होता है कंजक्टैबल कंजेशन में और जो सिलेड़ी होता है उसको आप फोर्निक्स के पास आपको दिखेगा तो ये दूर दिखेगा और ये लिम्बस के पास जाते जाते फेड हो जाएगा और ये जो होगा ये कंजक्टेबल ये आपको फोर्निक्स के पास जाते जाते फेड हो जाएगा तो ये यहाँ कहना चाह रहा है तीसरा क्या पॉइंट है डेलीकेट फेदरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन आर प्रजेंट इन द सराउंडिंग स्ट्रोमा अंडर द इंटैक्ट एपिथीलियम जो तो और चौथा है स्ट्राइल इम्यून रिंग ऑल्सो नोन एज विजली रिंग तो ये क्या होता है इट इज़ अ प्लेस फंगल एंटीजन एंड होस्ट एंटीबॉडीज़ मीट तो के रिंग सर्कल रिंग अपेयरेंस होता है आँख में वो विजिबल होता है वाइट कलर का वाइटी अपेरेंस होता है वो फॉर्म वो दिखेगा आपको पांचवा क्या है मल्टीपल स्मॉल सैटेलाइट लीजन कैन बी सीन अराउंड द अल्सर तो ये सैटेलाइट लीजन क्या हुआ तो पहले से जो लीजन प्रेजेंट है वो तो उसी के आसपास और भी लीजन uh, होने लगता है उसी वो वही यहाँ कहना चाह रहा है छठा है हाइपोपियन बिग मे नॉट बी स्टराइल फंगी कैन पेनिट्रेट इन टू द एंटीएच एम्बल विदाउट परफोरेशन हाइपोपियन क्या हुआ हाइपोपियन लेडिंग ऑफ वाइट ब्लड सेल होता है एंटीएच एम्बर में जो वाइट ब्लड सेल होता है वो एक्मुलेट होने लगता है एंटीएच में लोअर पोर्शन में वो वाइट अपेरेंस आपको फोटो में दिखेगा वही हुआ हाइपोपियन सातवा है एंडोथीलियल सीन आठवा है परफोरेशन जो कि रेयर होता है नौवा है पिगमेंटेड अल्सर समटाइम्स और दसवा है कॉर्नियल न्यूवेस्कुलशन एबसेंट तो हम लोग डायग्नोसिस देखेंगे तो डायग्नोसिस यहाँ चार है तो पहला क्या हो गया कॉर्नियल स्क्रैपिंग फ्रॉम बेस एंड लीडिंग एजेस ऑफ अल्सर सब्जेक्टेड टू वेट की कैल्कोफ्लोर एच कैलकोफ्लोर वाइट स्टेन ग्राम स्टेन जिमसा स्टेन पाँचवा है कल्चर ऑन सबर्ट डेक्सट्रोज अगार मीडियम और छठा है पी तो जो अल्सर से स्क्रैपिंग लेके इन सब मीडियम पे हम लोग डालते हैं दूसरा है एंटीरियर चैम्बर पैरासेंटेसिस तीसरा है कॉर्नियल बायोप्सी चौथा है कॉन्फोकल माइक्रो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हम इसका ट्रीटमेंट देखेंगे तो ट्रीटमेंट दो भाग में है नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक तो नॉन स्पेसिफिक में साइक्लोप्लेजिक ड्रग देते हैं वन परसेंट एट्रोपिन दूसरा है सिस्टमिक एनर्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स तीसरा है विटामिन ए बी एन सी अर्ली हीलिंग ऑफ अल्सर के लिए चौथा है हॉट फॉर्मेंटेशन पाँचवा डार्क गॉगल्स और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में टॉपिकल एंटी फंगल आई ड्रॉप्स जिसमें नेटामाइसिन एम्फोटिन बी और फ्लूकोनाजोल जो कि ऑर्गेनिज्म जो एस्पर्जिलोस ऑफ फ्यूसोरेम में देते हैं और कैंडिडा ऑर्गेनिज्म में निस्टैटिन नस्टाटिन आई, आई ओइंटमेंट देते हैं दूसरा है इंटर कैमेरल एंड इंटरकोनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बॉडिकोनाजोल तो इंटर कैमेरल के अवा जो इंजेक्शन जो होता है वो एंटी चैम्बोल ऑफ आइबॉल में देते हैं और ये तीसरा है सिस्टमिक फ्लूकोनाजोल कीटो कोनाजोल वोड़ी कोनाजोल और चौथा है थ्रोपेटिक पेनेट्रेटिंग करैटोप्लास्टिक तो ये थ्रोपेटिक पेनीट्रिक करैटोप्लास्टिक क्या होता है बेसिकली एक कॉर्नियल ट्रांसप्लांट प्लानेशन होता है जिसमें डैमेज जो, जो कॉर्निया होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं जो डोनेटेड कॉर्निया आता है उससे रिप्लेस कर देते हैं तो बेसिकली यही यही है थैंक यू